बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग आपकी प्रॉब्लम को कितनी क्विकली सॉल्व कर देती है। और आज मैं आपसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूंगा, जहां पे मैं क्लास में पढ़ाने के लिए गया तो क्लास के स्टूडेंट्स कहते हैं आज हमारा मूड नहीं है पढ़ने का। और साथ ही उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन फेस कर दिया कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो हम फिर पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारा मूड बन जाएगा पढ़ने के लिए। पढ़ाना तो मैंने हर हाल में था, तो मैंने कहा चले क्वेश्चन पूछ लें, हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन उन्होंने प्लेस किया स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि आपके पास टोटल सेवन ब्रदर्स हैं, सेवन भाई हैं, और ब्रदर नंबर वन जो है उसको कुछ डायमंड्स मिलते हैं, और ब्रदर टू उतने दरम्यान में आ जाता है। और जब ब्रदर टू आया तो डायमंड जब आपस में डिवाइड किए तो एक डायमंड बच गया। इसी तरह ब्रदर थ्री आया, उन तीनों ने फिर दोबारा स्टार्ट से शेयर किया और एक डायमंड फिर बच गया। फिर ब्रदर फोर आया तो उन्होंने दोबारा शेयर करना स्टार्ट किया और एक डायमंड फिर बच गया। ब्रदर फाइव आया और दोबारा उसने पूछा कि भाई मेरा हिस्सा भी चाहिए मुझे, तो फिर दोबारा डिवाइड हुआ तो फिर एक डायमंड फिर बच गया। ब्रदर सिक्स आया तो फिर दोबारा डिवाइड हुआ, फिर एक डायमंड फिर बच गया। और ब्रदर नंबर सेवन जब आया तो जब उसने शेयर मांगा तो डायमंड जो है वो इक्वली डिवाइड हो गए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि आप ये बताएं कि डायमंड्स कितने थे। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर टू दिस। अगर एक नॉर्मल पर्सन आए और सोचने लग जाए भाई मैं कंप्यूट करना स्टार्ट कर दूं कितने होंगे कितने होंगे कितने होंगे, तो कैलकुलेशंस टाइम ले रही थी। तो मैंने मेरा जो पहला थॉट थी वो ये थी कि लॉजिक क्या है इसकी। इसकी लॉजिक ये है भाई, कोई ऐसा ही नंबर होगा जो जब दो पे डिवाइड हो रहा है तो एक बच रहा है, तीन पे डिवाइड हो रहा है तो एक बच रहा है, चार पे डिवाइड हो रहा है तब भी एक बच रहा है, पांच पे डिवाइड हो रहा है फिर भी एक, सिक्स पे डिवाइड हो रहा है फिर भी एक, और सेवन पे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो वहां पे मैंने स्टूडेंट से कहा जी आप मुझे लैपटॉप प्रोवाइड करें जिसमें वीडियो स्टूडियो, ताकि मैं कोड कर सकूं इसको। तो लॉजिक बन गई। अब नंबर को डिसाइड करना था। ऑब्वियस बात है नंबर सेवन नहीं हो सकता, कुछ भी नंबर होगा, नंबर इल्म में नहीं था। तो इस पर्पस के लिए मैंने कोड स्टार्ट किया और कोड की लॉजिक बन गई। लॉजिक क्या थी, कोई ऐसा नंबर होगा जो या तो वन पे डिवाइड हो रहा है, वन टू पे डिवाइड हो रहा है तो एक बच रहा है, तीन पे एंड सो ऑन, फोर फाइव सिक्स तक अगर रिमाइंडर लिया जा रहा है उसका तो एक आ रहा है। तो हम जरा इसका कोड देखते हैं, इसी को देखते हैं कि क्या नंबर हो सकता है। तो नंबर सोचने के लिए मैं, अगर नंबर क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, अब मुझे नहीं पता नंबर क्या है तो वन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वाइल एक लूप अप्लाई किया, ट्रू, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है, और हर दफा नंबर क्या होगा, प्लस प्लस होता जाएगा। पहली दफा वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। अब ये रुकेगा नहीं, मतलब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या नजर आएगा मुझे, उसको देखते हैं जरा। ओप्स, व्हाट हैपेंड, सॉरी हमने प्रिंट नहीं किया था, तो हम इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए आप, ये नंबर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते एंड सो ऑन, रुक नहीं रहा। वाइल ट्रू है तो रुक नहीं रहा। तो मैंने सोचा इन नंबरों में से कोई ना कोई एक तो होगा ना जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हम देखते हैं इन नंबरों में से कौन सा नंबर था। अब कंडीशन हमारे पास डिसाइडेड थी भाई, कोई ऐसा नंबर होगा, यानी इस चीज को मैंने उठा लिया और मैंने यहां से कट किया और यहां प्रिंट कर दिया। और हमने ये डिसाइड किया था भाई कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं टू पे मॉडुलस लेता हूं तो आंसर वन आ जाता है। फिर कोई ऐसा नंबर होगा जिसका एंड भी लगा सकता हूं मैं यहां पे, एंड जिसका हम थ्री से मॉडुलस लेते हैं तब भी आंसर वन होता है, फिर जिसका हम फाइव
फोर से मॉडुलस लेते हैं तब भी वन, फाइव से आंसर लेते हैं तब भी वन, इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ। और अगर मैं उन नंबर का सिक्स से मॉडुलस लेता हूँ तब भी वन, यानी एक एक बच रहा है। और हाँ, जब वो सेवन से उसका मॉड लिया जाता है तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, ज़ीरो। तो ये इस चीज़ को मैं लूप के अंदर लिख देता हूँ, ये सॉरी लूप कह रहा हूँ, इस इफ के अंदर, ताकि ऐसे आ जाए ये। तो कोई ऐसा ही नंबर होगा, अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाता है तो आप ब्रेक कर दो, आप इसको इफ में भी लिख सकते हो एंड के साथ, तो ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे वो नंबर इजीली मिल गया। नंबर आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 301। आई थॉट कि नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसे पांच पॉसिबल गैस कर दूं कि नंबर ये भी हो सकता है, नंबर ये भी हो सकता है। तो पांच पॉसिबल गैस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और लूप अप्लाई किया, जो कि कितने टाइम्स चल रहा था, फाइव टाइम्स, कि आंसर कुड बी दिस दिस और दिस। एक चीज आपने नोट करनी है कि हमने जो नम वन था ऊपर इनिशियलाइज कर लिया, हर दफा नम इंक्रीज हो रहा था। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा मुझे पास पांच वैल्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपकी स्टार्ट हो रही है जब 301, आपने पहली आंसर देखा था अभी थोड़ी देर पहले 301 था, अगली दफा जब स्टार्ट होगा फिर 301 से आगे कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। तो हम इसको नम प्लस प्लस भी कह देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट नंबर से आगे कंप्यूट करना स्टार्ट कर दें। जी 301, 721, 1141, 1561, 1 मतलब दैट कुड बी एनी आंसर। तो विद इन फ्यू मिनट्स हमने आंसर दिया और फिर उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट किया अपना जो वहाँ पे था। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हम किस किस तरीके से प्रोग्राम से कितनी क्विकली कर सकते हैं। तो और ये आपको लूप्स का भी इसमें आइडिया हो गया होगा, ब्रेक स्टेटमेंट का भी आइडिया हो गया होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में भी हम मज़ीद कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे।